हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? तो मैं अभी उठी हूँ और अब क्लास के लिए रेडी हो रही हूँ। और लाइट तो है नहीं, लाइट कल रात को 11-12 बजे के करीब चली गई थी, उसके बाद अभी तक भी नहीं आई है। और आई डोंट नो दिन को भी आएगी या नहीं। और मेरे फ़ोन में बैटरी बहुत ही कम है, आई थिंक 30-40 होना। तो मैं आपसे भी से रेडी होके मिलती हूँ। तो अब मैं रेडी हो गई और बाहर रात से ही बारिश हो रही है, तो मैं भी बस थोड़ी देर में क्लास के लिए निकल जाऊँगी। और अभी तो मतलब बहुत ही कम कम हो रही है बारिश, बट रात में बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी यहाँ पे। तो मैं भी पहले शूज़ पहन लेती हूँ, उसके बाद क्लास के लिए निकल जाती हूँ। तो अब मैं रूम से निकल गई और अभी तो बारिश नहीं हो रही है, तो मैं आप सभी को सीधा क्लास पहुंच के मिलती हूँ। तो आप लोग देख सकते हो आज का मौसम कैसा है। हेलो सुमन भैया, कैसे हो? बढ़िया। हेलो दीक्षा जी, हेलो हेलो आयुषी, इधर तो देखो। तो अब मेरी क्लास हो गई और अब मैं वापस रूम जा रही हूँ। आज सुबह से ही लाइट नहीं है, सुबह से तो क्या, रात से ही लाइट नहीं है। तो प्रैक्टिकल तो किया नहीं, तो थ्योरी की क्लास लगाई और अब क्लास ओवर हो गई तो मैं रूम जा रही हूँ। तो मैं थक गई थोड़ा सा ही चल के, तो इसलिए मैं आप सभी को रूम पहुंच के ही मिलती हूँ। तो अब मैं रूम पहुंच गई और आज का दिन तो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है, लाइट ही नहीं है कल रात से, और ऊपर से फ़ोन में बैटरी भी नहीं है। और बाकी मैंने क्लास में ज़्यादा वीडियो इसलिए नहीं बनाया क्योंकि क्लास में अच्छा भी नहीं लगता है। और जब मैं अपने फ्रेंड्स को हेलो हाई कर रही थी ना, तो उतने में सर आ गए, इसलिए मैंने एकदम से वीडियो कट कर दिया था। और वहाँ से आगे मैंने आप लोगों को कुछ भी नहीं दिखाया और सीधे ही मैंने ये बोला कि अब मेरी क्लास ओवर हो गई है और मैं रूम जा रही हूँ। तो यही रीज़न था कि मैं क्लास के अंदर ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई। और पिछले कल से तो बहुत ही ज़्यादा ठंड हो गई है, नहीं तो कुछ टाइम ऐसा लग रहा था कि बस अब गर्मियाँ आ ही गई है। मत इतनी गर्मी हो गई थी, दिन में तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही थी और जैसे ही अंदर आते हैं सुबह शाम तो वैसे ही ठंड है। बट जैसे ही कल से मौसम ख़राब हुआ ना, बहुत ही ज़्यादा ठंड हो गई है फिर से। ऐसा लग रहा है कि अब हाँ सर्दियाँ ही हैं, क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले तक तो मौसम गर्म होने की वजह से लगता ही नहीं था कि हाँ सर्दियाँ भी है। तो बाकी तो मेरे पास है भी नहीं कुछ, रूम पहुँच गई हूँ। अब मैं लंच करूँगी और लंच में भी खिचड़ी बनाया है, तो फिर बाकी ज़्यादा कुछ खास है नहीं। रूम पे तो रोज़ वही हो रहा है, उठना सोना। और जैसे ही अभी मैं लंच करूँगी उसके बाद मुझे थोड़ा पढ़ना भी है और उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, फिर उसके बाद फिर शाम को छोटी वाली सिस्टर को पढ़ाती हूँ, उसके बाद रात को 8 बजे लाइव आ जाती हूँ मैं। तो उसके बाद हम डिनर करते हैं, फिर सो जाते हैं। बाकी नया ताज़ा कुछ भी नहीं रहता है आजकल। और काफ़ी लोग मुझे बोल रहे थे कि आप नए नए प्लेस में जाओ और उसको एक्सप्लोर करो, तो ये मेरे लिए इम्पॉसिबल है क्योंकि मैं साथ में स्टडी भी कर रही हूँ, तो इतना टाइम भी नहीं मिलता है मुझे कि मैं नए नए जगहों में जाऊँ और इसको एक्सप्लोर करूँ। बट जैसे ही मेरा स्टडी कंप्लीट हो जाएगा, मैं कोशिश करूँगी कि मैं नए नए जगहों पे जाऊँ और उनको एक्सप्लोर करूँ। बट मैं स्टडी के साथ साथ फिर भी मैं मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा कहीं जाने का, तो मैं ज़रूर नए प्लेस में जाके उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँगी। बाकी तो मैं क्या ही बोलूँ। और मुझे साथ में ना बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कैमरे के सामने बोला करो, अपने वीडियो में बोला करो करके। बट ना क्या कहते, कैमरे के सामने बोलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रहता है। और कभी आप लोग भी ट्राई करके देख लेना कि कैमरे के सामने 1 मिनट तो बोल ही लेंगे सभी, उसके बाद भी मतलब क्या ही बोलेंगे हम, समझ ही नहीं आता है। और अगर पहले हम सोच भी लेते हैं कि ये बोलेंगे वो बोलेंगे, बट जब हम कैमरे के सामने आ जाते हैं ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, जो बोलना होता है ना वो भी नहीं बोला जाता है। तो
कैमरे के सामने बोलना बहुत मुश्किल रहता है, बट मैं फिर भी कोशिश कर रही हूँ, इम्प्रूव कर रही हूँ अपने आप को कि मैं कैमरे के सामने मतलब अपने वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा बोलूँ। तो आप लोग जब मुझे ऐसे सपोर्ट करते हैं, बोलते हैं, सजेशन देते हैं कि आप ऐसा करो, आपको ये करना चाहिए, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और प्लीज़ आप लोग मुझे ऐसे सजेशंस देते रहा करो, क्योंकि मुझे आप लोगों की सजेशंस की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और जब आप लोग मुझे सजेशंस देते हो, सपोर्ट करते हो, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। जो लोग भी मुझे सजेशंस देते हैं और सपोर्ट करते हैं, मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करते हैं, उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हो, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मुझे सपोर्ट करते हो। तो आगे भी ऐसे मुझे सपोर्ट करते रहना और अपना प्यार देते रहना, और मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अच्छे से अच्छा वीडियो बनाऊँ और नया से नया कंटेंट लाऊँ आप लोगों के लिए। तो ज़्यादा तो मैं क्या बोलूँ, बस थैंक यू सो मच एवरीवन जो भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं और मेरी वीडियो को देख रहे हैं। तो फिलहाल बाय, मैं भी अब चेंज कर लेती हूँ। और हाँ, मुझे ना बहुत से लोग ये भी बोल रहे हैं कि आप अपना इंट्रो दो, इंट्रो दो। तो और ये भी बोल रहे साथ में कि आपको आपका इंट्रो सबसे पहले दे देना चाहिए था, बट मैंने अभी तक भी अपना इंट्रो वाला वीडियो नहीं बनाया। तो कोशिश करूँगी कि जो मेरा नेक्स्ट वीडियो हो, तो उसमें मैं अपना इंट्रो दूँगी और अपने बारे में सब कुछ बताऊँगी। और अगर आप लोगों को मेरे बारे में और भी कुछ पूछना हो, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में बता देना मुझे, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसे वीडियो में बोलूँ। और आप लोगों के जो भी क्वेश्चन आंसर रहते हैं, तो मैं उस वीडियो के थ्रू आप लोगों को मतलब क्लियर कर सकूँ। तो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।